आज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी, लोगों को जागरूक करने की एक से हम बात कर रहे हैं, नाम बउआ लिखते हैं हम। अच्छा मंदिर में क्या होता है भाई साहब? घंटा होता है घंटा अच्छा चल रहा है कुछ? यार हेलो, हेलो हेलो, इतनी बीमारियां फैल रही हैं लोगों को, क्या अच्छा पहचाना चल रहा है? नहीं, कौन बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ, मैं बउआ बोल रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा था मैं, आपका भी एक फोन लगा। बीमारियां इतनी फैल रही हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रही बीमारी कहाँ से आ रही है। चिकनगुनिया, डेंगू। डेंगू का ले, डेंगू कैसे फैलता है बताइए आप? डेंगू मच्छर काटने से फैलता है, मंदिर में क्या होता है? मंदिर में घंटा होता घंटा डेंगू मच्छर से फैलता है। हेलो, हेलो। अरे मच्छर इंटरनेट से फैलता है, पता नहीं इतना? इंटरनेट इंटरनेट से कैसे फैलता भाई? एक मिनट, आदमी आजकल सबसे ज्यादा अपने मोबाइल में बिजी रहता है, हाँ कि ना? हाँ, मोबाइल में सबसे ज्यादा इंटरनेट पे कुछ ना कुछ देखता रहता है, शेयर करता है, लाइक करता है, करता है कि नहीं? करता है, आजकल गर्मी चल रही है, लोग कूलर चलाते हैं कि नहीं? चलाते कूलर में पानी भरते हैं कि नहीं? हैं, अब पानी भरते हैं, लेकिन जब आखिरी बार गर्मी का सीजन में आखिरी आखिरी में कूलर से पानी निकालना भूल जाते हैं, है कि नहीं? भरते क्यों निकालना भूल जाते हैं? क्योंकि इंटरनेट पे बिजी है, और पानी निकालना भूल जाते हैं, इसकी वजह से उसी पानी में जमा होके मच्छर बनता है, वही मच्छर डेंगू का मच्छर बनता है। अब बताओ, मच्छर की वजह से हुआ है या इंटरनेट की वजह से डेंगू? है। क्या बकवास कर रहा है तू? बताइए नहीं, क्या मैंने कुछ भी अपनी तरफ से बना बना के मैं नहीं। आप गलत नहीं बोल सकते। इंटरनेट के अलावा इंजीनियर लोगों की वजह से भी होता है, बताओ कैसे? कैसे? अगर वो इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब करता तो उसके पास खाली दिमाग नहीं होता, वो बिजी रहता, और खाली दिमाग हाँ, था इस वजह से उसने आविष्कार किया कूलर और मोटर का, और इसी में पानी भरता है, अच्छा और इसी से मच्छर बनता है, और इसी से हेलो जी। हेलो हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है आवाज भाई। इतने सक पका क्यों गए? मैं बउआ बोल रहा था, नमस्ते। अरे नेटवर्क वैसे ही झंड हुआ पड़ा है यार। कौन बोल रहा है भैया? नेटवर्क क्या हुआ पड़ा है? नेटवर्क वैसे ही झंड हुआ पड़ा है, बात करते एक करते। हेलो सेकेंड, हेलो, सॉरी, मैं कह रहा था मानसून दस्तक देने वाला है, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अच्छा बउआ बोल रहा है, क्या हाँ, आने वाला है, क्या मानसून, दस्तक देने वाला है? मानसून मानसून दस्तक देने वाला है। देने वाला है तो मेरा क्या, मेरे पास क्यों मिला है भैया फोन? आपको ये बताने कि मानसून दस्तक देने वाला है? अच्छा, ये स्पेशली मैं ही मिला तेरे को बताने के लिए? नहीं, मैं और लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन आपका भी नंबर लगा है, मानसून दस्तक देने वाला है। अबे तू कौन है साला, फोकट में फोन कर रहा है यार सॉरी, भाई। अंडा बोल रहे हैं, हेलो, अबे फोन कट जा रहा है, नेटवर्क क्या हो गया है? बताया ना अभी तेरे को, नेटवर्क झंड हो रहा है यार, तू क्यों दिमाग हुआ तुम्हें? नहीं, मानसून दस्तक देने वाला है। फिर वही बात, तू क्या है, तू मानसून क्या लेना, मैं मानसून सही बउआ बता हूँ, मुझे। बउआ बोल रहा हूँ। अबे सुन लिया ना तू, बउआ बोल रहा है, फिर मैं क्या करूँ यार? तो ये नहीं सुन रहे हैं आप, और समझ नहीं रहे हैं कि मानसून मुझे क्या साले मजबूर मेरा, समझ गया? काट दिया, फिर लगा। हेलो, अबे मानसून क्या, सुन तो लिया, मानसून दस्तक देगा साले, फोन रख देने तेरे को, सुबह सुबह मानसून दस्तक देगा। तो क्या मानसून दस्तक नहीं दे सकता? हाँ देगा, देगा सबके लिए देगा, तू मुझे क्यों एक बैठा है सुबह सेकंड सुबह रुकिए, साले? एक सेकंड, दरवाजे पे कोई आया, एक सेकंड, कौन आ पता कि यार मेरे पास क्यों फोन कर रहा है, बार एक बार समझ में नहीं आ सेकंड, रहा। कौन है? मानसून। मानसून? अरे मानसून आ गया है। हाँ ये लीजिए, 1 2 3 अच्छा है ये, 4 5 6 7 8 9 10, 9 10 10। 9 10, क्या किया इसने? थैंक यू मानसून। ओके जी, बाय। हेलो, क्या दिया इसने? अरे बोला था ना, 10 तक दिया, तो 10 तक दे दिया। तुझसे बड़ा मैंने कोई देखा नहीं साला, तेरी 20 तक दे दूंगा, क्यों तो देंगे? दिमाग 10 तक खराब ही है। चाहिए। आ जा तेरे पीछे, नहीं, दो, दो, मानसून आएगा, मानसून आएगा, तू साला फोन कर रहा बार बार। दस्तक। हेलो, इस तरीके से जो है प्रजातियां बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती जा रही है। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही है भाई साहब। हेलो, हाँ अंकित जी, नमस्कार। नमस्कार, कौन जी? मैं जी बउआ जी, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए नवयुवक। कहाँ जुड़ रहे हैं? जुड़ रहे हैं, तार तो जुड़ चुके हैं। एक बड़ी अच्छी सी चर्चा होती है पूरे हफ्ते, हम लोग इस चर्चा का इंतजार करते हैं, जहाँ पर एक एक्सपर्ट बैरागी जी और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि जुड़ता है। वैसे ही प्रदोष व्रत के बाद पड़ी है, तो इसका अलग अलौकिक सुख है भाई साहब। अरे भाई मुझे क्यों घसीट रहे हो? एक मिनट लगेगा भैया, रैंसम वेयर जैसा इतना बड़ा साइबर अटैक हुआ है, 150 देशों की चपेट में। हाँ, आपको पता है इस बारे में? समाज को आईना दिखाइए, सुना है सुना है ना रैंसम वेयर क्या है? इसी बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे बैरागी, तुरंत शूट करिए। देखिए, सबसे पहले
इस वायरस का एक व्यक्ति जिसका नाम मैं क्या ये बताऊं, हैंडसम फेयर लगा करके वो गया एक सिस्टम में, सीपीयू में बैठ गया। आलिया भट्ट का दिमाग, क्या दिमाग उसका, ठीक है। गलत बोल रहे हैं आप, मतलब क्या बोल रहे हैं वाले के फोन तक देख, साफ बात कर लूंगा आगे। गलत आदमी, हेलो, साफ साफ बात, ठीक है। हेलो भाई साहब, नमस्ते अंकिल। अंकल नहीं बोल रहा भाई, मैं अच्छा सर कौन बोल रहा है, मैं बउआ बोल रहे थे। नमस्ते, आप आगे बात कर रहे हैं? हाँ आगे बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? मैं जी बोल रहा था, अभी फेसबुक पे आपका फ्रेंड है ना में, उसका वही नोएडा में रहता है, काम करता है। क्या हो गया, निकल लिया क्या वो? नहीं नहीं, मैं भी उसका फेसबुक पे कॉमन फ्रेंड हूँ। मैं देख रहा था कल आपने फेसबुक पे डाले थे 2 अक्टूबर को, क्या है, बहुत अच्छा जोक था, क्या लिखा था आपने 2 अक्टूबर को? 2 अक्टूबर को पंजीकरण गए थे सत्संग के लिए, पंजी गए थे सत्संग के लिए। तो मैं आपको आगे का भी बताना चाह रहा था। नहीं आगे का क्या मतलब? आगे मतलब आपने लिखा 2 अक्टूबर को विजय और उसकी फैमिली पणजी गए थे सत्संग के लिए, राइट। हाँ, हाँ। फिर 3 अक्टूबर को क्या हुआ था, वो वापस आ गए थे, उस दिन बरसात हुई थी तो भीग गए, तो 4 अक्टूबर को ऑफिस नहीं गए और बच्चे स्कूल नहीं गए। फिर 5 हाँ। उनके घर पे गायतोंडे आया था पुलिस लेकर। हाँ। 6 अक्टूबर को भी पुलिस से इंक्वायरी हुई। फिर 7 अक्टूबर हाँ। को उसके पापा मम्मी को बुलाया गया। तो भाई मुझे क्यों बता रहा है यार सारा? नहीं तूने बोला ना 2 अक्टूबर को सत्संग था। अबे तो भाई खत्म हो गया वो जोक, जोक मारेगा उस दिन, उस दिन जोक मारेगा, 2 को वही हुआ था क्या? मेरी मर्जी भाई, तेरी मर्जी, तो मैं आगे तो मेरी मर्जी, सुन ना, 8 तारीख को गायतोंडे वहाँ डंडा लेके पहुँचा है ना, दे दी डंडा। गलत बोल रहे आप, फोन काट। अरे एक सेकंड, अबे क्यों दिमाग कर रखी यार तुम, हो गया भाई गलत। हेलो एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो हेलो, कौन की बात कर रहे? हाँ जी त्यागी बोल रहा हूँ, बोल कौन? शुक्रवार को आपसे बात हुई थी ना, गेटिंग दिस, 3 दिन हो गए मैडम मेरे को बोले हुए। नहीं हमने कोशिश, फ्राइडे को आपको कॉल किया था, शायद आपने फिर कॉल पिक नहीं किया, इस वजह से हमने शायद। तो मैडम उसके बाद भी 3 दिन हो गए, सैटरडे संडे मंडे। नहीं वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि लॉन्ग वीकेंड पड़ गया ना। तो लॉन्ग वीकेंड मतलब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और आप मतलब लॉन्ग वीकेंड मनाओगे? नहीं नहीं कल एक्चुअली छुट्टी थी ना, तो इसलिए। अरे तो मैडम मतलब 2 अक्टूबर गांधी जयंती की आप छुट्टी मनाओगे और हम यहाँ पे बैठे रहेंगे? गलत नहीं बोलिए, कल 2 तारीख को गांधी जयंती नहीं थी। गांधी जयंती नहीं थी मतलब कैलेंडर बदल दोगे आप? हैं नहीं नहीं, फिर क्या था 2? अरे आप काम कराओ, आप बकवास मत करो मैडम, जल्दी करा खत्म करो आज। को गांधी जयंती नहीं थी ना, मैं आपको। अरे नहीं थी तो फिर क्या था मैडम, बोलो ना। अरे वो सत्संग गया था ना, सत्संग पड़जी लेकर। चार तारीख को गायतोंडे आया डंडा लेके उसके घर पे, गायतोंडे ने वो डंडा तेरी। हेलो हेलो हेलो, हाँ कौन? मैं कह रहा था भाई, बोल कौन रहा है पहले ये तो बता दे, कह तो रहा है। मैं देख लूंगा। कौन बोल रहा है? मैं जो भी बोल रहा हूँ हाँ? सिंपल बोल रहा हूँ। क्या? कि मैं देख लूंगा। क्या देख लेगा वो? तो मैं देख लूंगा, वो तो मैं बस देख लूंगा। अरे क्या देख लेगा, बताएगा? ओ ओ, ओ। गलत ना मत ना बोलियो, तू है कौन भाई, इधर तो आ तू, मैं बता दूं। आऊंगा, 4 लड़के साथ लाऊंगा और मैं देख लूंगा। तू 36 लेके आ, मैं 36 को मारूंगा, तुझे देख लूंगा फिर। मैं मारने पीटने की बात कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मैं देख लूंगा। क्या देखेगा, देख लूंगा देख लूंगा करेगा। थोड़ा आवाज नीचे नीचे आवाज, तू है कौन? मैं मेरी, 1 सेकंड मेरी बात सुनो। तो बोल ना, कितनी देर से सुन रहा हूँ। 1 सेकंड भाई, मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ आपको। क्या कि मैं हाँ क्या करूंगा? क्या करेगा, देख लेगा, देख लूंगा भाई। हेलो, आई कैन आई स्पीक टू हाँ जी? हाँ जी बोलिए। हाई सर, दिस इज कॉलिंग फ्रॉम। हाँ जी बोलिए। दिस रिगार्डिंग आपको जो टिकट था सर, विच इज वांटेड टू सेंड दैट टिकट ऑन योर एड्रेस। कौन से एड्रेस पे भेज सकते सर? भाई थोड़ा धीरे बोलो यार, समझ भी नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। आपके जो फुटबॉल मैचेस के टिकट्स हैं वो कहाँ पर भेजने सर, ऑफिस एड्रेस, घर एड्रेस? क्या करे यार, लिखवाया तो था मैंने आपको एड्रेस, कंफर्म कर सकते हैं सर प्लीज? हाँ जी, वंडरफुल सर। सो टिकट्स हमारे एग्जीक्यूटिव आपके पास लेके पहुंच जाएंगे टुमारो 11 AM पे। आ जाऊंगा मैं, 12 बजे आ जाऊंगा। ठीक है, सो क्या पोस्ट 12 कैन आई सेंड समवन टू सेंड द टिकट्स टू यू? जी बिल्कुल, हाँ भेज दीजिए। ठीक है, तो सर टिकट्स मैं आपको भेजा दूंगा, आप मैच देख लेंगे।
बिल्कुल सर देख लूंगा, ऐसी क्या बात है, देख लूंगा मैं सर। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी देख लूंगा। ओ तू ऐसी तू साला, देख लूंगा मैं भी, ये मैच की तो बात करने रहता है, तेरे को मैं देख लूंगा। तू गलत बोल रहा है, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बहुआ, बोल लो। फीफा 117 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस यूएसए 6 अक्टूबर, देख लूंगा मैं। हेलो हेलो हेलो, कौन जी? मैं बहुआ बोल रही हूँ अंकिल, नमस्ते। तो बहुआ कौन, बात किससे करनी है? आपसे करनी, 2 सेकंड बस, मैं काम कर रहा हूँ, जल्दी बोलो। काम कर दी। अच्छा, मैं कह रहा था जो प्याज होता है ना, प्याज। अच्छा, तो प्याज के बारे में बड़े बड़े लोगों ने जनता को गुमराह किया है। अच्छा, प्याज के बारे में मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगा। अच्छा, जो आपने नहीं सुने होंगे कि प्याज की। अरे जल्दी बोलो। अच्छा, काम कर रहा हूँ। सॉरी, आप कॉल मत करियो, कॉल नहीं, 1 सेकंड। प्याज जो है, अपने शादी में प्याज ने 5,000 रुपए बचाए। कैसे बचा लिए, क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि प्याज की शादी जब हो रही थी तो किसी ने जूता नहीं चुराया, और जूता चुराई के पैसे बच गए। हो गए तेरी बकवास, नहीं काट दूंगा फोन। फोन नहीं, 1 सेकंड। प्यार का जूते से क्या लेना देना? यही तो बात है, प्यार आज तक कभी जूता नहीं पहना, इसलिए जूता चुराया ही नहीं गया शादी में। मतलब प्यार ने जूता भी नहीं पहना? क्योंकि प्यार झुकता नहीं है, और जूता पहनने के लिए झुकना पड़ेगा, लेस बांधने पड़ेंगे, इसलिए न उसने जूता पहना और न जूता चुराया गया, 5,000 बच गए। जूता लगे में डालना है। सुधरेगा नहीं, तेरे को बोला चाहता क्या तू? चाहते मैं प्याज की सुनी बातें बता दूंगा, फोन काट रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा। अच्छा 2 मिनट सुन लो ना यार। अच्छा बक, प्याज को पता नहीं है फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है? मतलब? अच्छा मतलब कि प्याज कोई खेल नहीं, कैसे पता उसको? पागल है क्या? पागल है तू? नहीं मैं बउआ हूँ। अबे चल चल, 1 सेकंड। सुबह सुबह उठ के प्याज एक्सरसाइज नहीं करते, झूला झूलता है। क्यों? क्योंकि प्यार दिलों का मेला है। अबे गधे, 1 सेकंड रुकिए, मैं आपको प्यार के भाई बहनों से मिलाता हूँ, ठीक है? नहीं मिलना, वो नहीं मिले। 1 सेकंड, ये है प्यार के भाई, ये बड़ा भाई है, लंबा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। भाई बहनों को अपनी मिले ले, मुझे बार बार डिस्टर्ब मत कर, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। एक आखिरी चीज अंकित, सॉरी मैं जान नहीं दूँ, प्यार आपको हजम नहीं होता है, सुनिए। हेलो भोग, प्यार के पापा का नाम पता है कौन था? नहीं पता प्यार के पापा का नाम, पता जानना है। नहीं, 1 सेकंड, प्यार के पिताजी का नाम था मिस्टर चुपके। चुपके? हाँ मिस्टर चुपके, कैसे पता है? नहीं पता रहा है। 1 सेकंड, क्योंकि प्यार हुआ तक दुम दुम चुपके से, तक दुम दुम तेरी तक दुम दुम को गंदा बोलिए, प्यार दे दो मैं, फोन काट दिया। हेलो, चौथ की तैयारियां एकदम बढ़िया चल रही हैं, लोगों ने शॉपिंग भी कर ली है, उपवास के लिए सब लोग तैयार भी हैं, लेकिन लेकिन चांद को ही क्यों देखा जाता है? ये सवाल मेरे जहन में आया तो मैंने एक भाई साहब को फोन मिलाया और एक सुपर हिट एफ से रॉकिंग चर्चा करवाया बैरागी जी से। सुनिए जरा किसको बुलाया। हेलो, नमस्कार अंकित। नमस्कार, कौन बोल रहा हूँ? मैं कह रहा था कि हम लोग बात तो करेंगे, लेकिन एक स्पेशल चर्चा में मैं आपको शामिल करना चाहता, मैं बहुआ और मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी, आपका स्वागत है नव युवक हमारे साथ। जो ये एक्सपर्ट हैं, आप जनता की तरफ से एक चर्चा में शामिल होंगे। मैं कह रहा था हम लोग एक चर्चा करते हैं, जहाँ पर बोलो कई मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं, अगर आपके पास 2 मिनट हो तो। नहीं मेरे पास नहीं भाई साहब। तो अच्छा 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट टॉपिक सुन लो ना। टॉपिक कड़वा चौथ में चांद का दीदार करके क्यों छलनी से देखा जाता है? हाँ, और चांद ही क्यों दीदार करके व्रत तोड़ा जाता है? मतलब सूरज क्यों नहीं, तारा क्यों नहीं, ये एक हमारे मन में जहन में एक सवाल था। हमने सोचा अपने एक्सपर्ट से इस पे चर्चा करवा लें और आपको भी शामिल कर लें। आप 1 मिनट दीजिए बैरागी जी, सूट एकदम शुरू कर दीजिए। देखिए हमारे संस्कृति में मामा बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए महाभारत काल में जिसने सारा खेल रचा, चौसर खेला, वो कौन थे? शकुनी मामा। वाह, या तुम क्या 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 बोले जा रहे हो? तो कृष्ण ने जब जन्म लिया तो कौन थे जो देवकी को मारना चाहते थे? उनके कंस मामा। तो ये आप लाइन पे मानते नहीं इस बात को, शकुनी की वजह से। और सबसे जरूरी, भारतीय संस्कृति में विवाह में मामा की बहुत मुख्य भूमिका होती है। मामा, आपकी शादी हुई है भैया जी? नहीं, लेकिन आपने अपने रिलेशन में देखा होगा कि लड़की को गोद में उठा के लाते हैं मामा, मिलनी करवाते हैं, जब जब मिलनी होती है तो मामा को अंगूठी डलती है, कंबल दिया जाता है, तो मामा बहुत जरूरी है, है कि नहीं भाई साहब? अच्छा, मतलब शादी में भी मामा और चंदा भी मामा। हाँ जी, तो क्या भाई साहब तेरे मामा की मैं
आप हमको आज से लोगों ने इतना चीची बोला है, लेकिन मामा के नाम से पहली बार किसी, इनका नाम बैठा कीजिए। इनका नाम है सिलबट्टू मिश्रा हमारे साथ। आप सिलबट्टू मिश्रा है? ऐसे नहीं कहते आप बैठा कीजिए। गलत नहीं बोल, इस बार की चिट्ठी कहाँ से बैठेगी? इस बार की चिट्ठी ऑकलैंड के कुंजुम टीले पर चढ़कर करवा चौथ का चांद देख के खुशी से लुढ़कने वाली किरमची विलियम कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। अरे किरमची को पानी पिलाओ। एफसी रॉकिंग नहीं होता बैठेगी जी, बहुओं वाले रेडियो पे बजाते रहो। नमस्ते। हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन भाई साहब? नमस्ते। नमस्कार जी। जिंदगी के लिए क्या जरूरी है? हेलो, कौन बोल रहे हो आप? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए था। जिंदगी के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? खाना पीना रहना, घरवाली जरूरी है। हाँ, हवा पानी भी। हाँ, हवा पानी तो चाहिए चाहिए। पानी तो समंदर में भी होता है, वो तो खारा होता है। हाँ, क्योंकि उसमें नमक होता है। हाँ, नमक तो आजकल टूथपेस्ट में भी डाल रहे हैं। हाँ, टूथपेस्ट में डाल रहे हैं, टूथपेस्ट से, इसलिए जिससे दांत मजबूत हो। अरे बताते थे क्या बात है, क्या किस मेथड में? मैं कह रहा टूथपेस्ट से दांत मजबूत होते हैं, और अगर आपके दांत मजबूत हैं तो आप किसी से भी लड़ सकते हो। पूछे कैसे? और कैसे बता, आप लड़ोगे तो दांत टूटेगा नहीं क्योंकि मजबूत रहेगा, वो मारेगा भी तो भी नहीं तो मारेगा। लेकिन लड़ाई हर रिश्ते में भी होती है। अच्छा, रिश्ता ऊपर वाला बनाता है। हाँ, ऊपर वाला बनाता है, ऊपर वाला सब देखता है। अरे क्या बात है, मेरी बात सुनो, ऊपर वाला सब देखता है कि नहीं? देखता है। लेकिन सबके साथ आप शादी नहीं कर सकते, शादी किसी एक के साथ ही होती है। अच्छा, होती है। हाँ। और जिससे शादी होती है उसे बीवी कहते हैं। हाँ, कहते हैं, तो ये कोई नई बात है? नहीं तो नई बात नहीं है, लेकिन आपकी बीवी है? बीवी है, उसने करवा चौथ का व्रत भी रखा था। अरे रखा था। हाँ, तो आपकी बीवी ने करवा चौथ का व्रत रखा, आपकी लंबी उम्र के लिए कामना की, तो आप उसे हंसाओ घुमाओ, बेफालतू में कोई भी फोन करेगा उससे बात करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, बाद में उसको बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास घुमाओ, उसके साथ टाइम बिताओ, मेरे साथ टाइम वेस्ट मत करो। ऐसे कोई फोन आए तो अरे तू मेरी फिर वही बात पत्नी को समय नहीं देते आप जैसे लोग, बाद में कहते समय नहीं है, बेफालतू में किसी का फोन आ रहा है। मेरी पत्नी है, मैं समझूंगा अपने आप समझने के लिए। हां, गलत बात, दांत कैसे? नमक बताया ना अभी, नमक मत पूछो। नमक बताया है, खत्म बात। अंकिल बउआ बोलो। नमस्ते। हेलो। हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। कौन बउआ? मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट होंगे। हाँ बोल, क्या? जी मैं कह रहा था इस बारी। हाँ क्या? आप, अरे जल्दी बोलना। सॉरी, मैं कह रहा हूँ इस बारी आप पटाखे नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ूंगा? मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस बार आप पटाखे नहीं छोड़ेंगे। मैं छोड़ूंगा पटाखे? तू कौन मेरा बाप होता है रोकने वाला, मुझे बताइए जरा। वही बात हो गई, फोन रखा। हेलो प्लीज, हेलो हेलो हेलो। अब तू फिर कॉल कर दिया, कौन है तू बउआ बोल? अबे बउआ कौन बउआ? ना इंसाफी है, काय बात की ना इंसाफी, पटाखे नहीं छोड़ोगे? एक सेकेंड, इमोशन के साथ खेलेगा तू? मैं भाई तेरे साथ खेलूंगा अगर तू मेरे सामने मार के तुझे। प्लीज नहीं छोड़ेंगे पटाखे, मैं तेरे में घुसेड़ के छोड़ दूंगा। गलत आदमी है, इमोशन का क्या किसी को गलत बना दूंगा, ध्यान रखियो। बस कटे तेरी, तुझे समझ नहीं आ रही क्या बात मेरी? फोन करे जा रहा है बार बार, पटाखे कर रहा है तू, मिल तो तेरे ना, तेरे को छोड़ दिया मैंने इस बार पटाखे पटाखे। तू कौन है तो रोकने वाला मुझे? ताले दिवाली हो जाती है। हेलो हेलो। हाँ सुरभि बात करी थी से, क्या आप कुछ? मैडम जी ऐसा हो ही नहीं सकता अभी। कैसे नहीं हो सकता, आप सुन लीजिए, क्या बताइए, बोलिए बोलिए। 9835 96 ये आपका नंबर है? हाँ, तो आप ही से बात करनी थी। आप तो अभी कौन बात कर रहा था आपके यहाँ से? वो इतनी बदतमीजी से बकवास कर रहा है, पटाखे नहीं छोड़ोगे? फिलहाल मैं कर रही हूँ, एक सेकंड। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम शिशिर है। और घर में कौन कौन है? घर में मम्मी है। शादी होगी? हाँ हो गई। तो अरे क्या करना तुम्हें, क्या यार शादी हो गई? एक हुई है? सॉरी, खुद की पसंद से शादी की है आप, घर वालों की पसंद? अरे भाई मैंने किसी की पसंद से की हो? प्लीज, कौन होते कुछ जरूरी, कौन से बात कर रहे हो? ये फालतू की प्लीज। अच्छा, आई एम सॉरी, प्लीज
लास्ट क्वेश्चन. सॉरी आई एम सॉरी, क्या मतलब लेते फिर बार बार सॉरी सॉरी सॉरी. पसंद से की लव मैरिज अरेंजमेंट प्लीज. जस्ट लव मैरिज किए मैंने. तो ये कितनी लव मैरिज है? क्या मतलब लव मैरिज कितनी? ओ सुनो मेरी बात. नहीं मेरी मैं एक ही लड़की से वन वुमन मैन हूँ मैं. अच्छा. ठीक है ना, एक ही लड़की से प्यार करता था मैं. नहीं उसी से शादी की है मैंने. आपने उसे ही पटाया, उसी से शादी कर ली, आपने उसे छोड़ा नहीं राइट? भाई क्यों छोड़ूंगा. एक सेकेंड रुकिए, यही तो बात सर कह रहे थे. क्या कह रहे थे? कौन सर कह रहा था? मैं कह रहे थे ना पटा के नहीं छोड़ना है. किसको? अबे तेरी सेकेंड बस करो. पटा के मम्मी पापा से मिलाओ, परिवार से शादी करो, घर बसाओ, पटा के ना छोड़ना पटा के. ठीक है तेरी. हेलो हेलो जी अंकिल नमस्ते. नमस्ते. कौन बोल रहा? अमिताभ चंद का बहुत बड़ा फैन हूँ. अमिताभ चंद बोल कौन रहा भैया? बहुआ बोल रहा हूँ. नहीं वो तो ठीक है, ये अमिताभ बच्चन है बेटा. आप अमिताभ चंद चिपका के बोलोगे तो अमिताभ चंद ही सुनाई. अमिताभ चंद सुनो तो मैं, उनका हैप्पी बर्थडे है ना भैया? हाँ तो मैं कह रहा था की देखिये अमिताभ चंद जी ना बेसिकली बॉलीवुड के बैटमैन है. बताओ कैसे? बैटमैन वो कैसे भाई? बैटमैन कब निकलता था? रात को भाई. अंधेरी रातों में हर जुर्म मिटाने को एक बैटमैन निकलती है. अब मैं वो बताता हूँ, अगर वो बॉलीवुड में नहीं होते तो सीसीटीवी कैमरे के बिजनेस में होते. बताओ कैसे? वो कैसे भाई? जहां तेरी ये नजर और बताओ है? इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ. हाँ, वो धरना प्रदर्शन के अगेंस्ट होते. धरना प्रदर्शन के अगेंस्ट? हाँ, क्योंकि जब भी धरना होता है हाँ. तो क्या वहाँ क्या लगते हैं? क्या लगते हैं? लाउड स्पीकर लगते हैं भाई? नहीं 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 हाँ. लाउड स्पीकर भी लोग चिल्ला चिल्ला के क्या लगाते हैं? नारे. नारे वो उनको पसंद नहीं है. अरे भाई यार तो उनको नाना नाना ना रे. ठीक है एक ग्लास एक ग्लास सुनी एक ग्लास सुनी. अगर वो आज के टाइम में एक्टर नहीं होते, माफी चाहूंगा एडवांस में ये गुस्ताखी करने के लिए, लेकिन अगर आज के टाइम में एक्टर नहीं होते तो वो ई रिक्शा चलाते. बताओ कैसे? कैसे भाई? ये देखो जब उस टाइम पे तांगा चलाते तो आज के टाइम में तांगा नहीं, आज के टाइम में तांगा थोड़ी, आज के टाइम में ई रिक्शा. भाई तू भी बस बस गलत नहीं बोल सकते आप ऐसे. नहीं भाई एक हम भी बताएंगे. देख मैं हम भी बताएंगे. हाँ बताइए भाई. अगर वो आज के डेट में नहाते होते ना तो बाल्टी से नहाते, शावर से नहाते. शावर से क्यों भाई? वो गाना नहीं है कौन सा? शावर शावर माहिया भी शावर शावर. शावर अबे सावर है, सावर नहीं है. घटिया आदमी घटिया. तू थोड़ी देर से वो कर रहा इंटेलेक्चुअल बात है. घटिया मेरे घटिया बोल रहा है. दिमाग लगाना थोड़ा मेरी तरह. अरे तूने बड़ा दिमाग लगाया. सावर सावर. अबे चल 93.5 एफएम बजाते रहो. सावर 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 साउंड का सावर. ओ माय गॉड अमिताभ चंद जी को हैप्पी बर्थडे अंकिल जी. स्वस्थ रहे मस्त रहे बजाते रहो अंकिल लल्लो. हेलो नमस्ते जी. नमस्ते. सीता जी बात कर रही हैं? हाँ जी. मुबारक हो जी. मैं बहुआ बोल रहा हूँ. किस बात के लिए जी? घर में बिटिया हुई है ना जी. थैंक यू. मेरे साथ मेरे भैया भी हैं. हाँ जी. एक सेकंड वो भी बधाई भैया. ठीक है भाई साहब. थैंक यू. आंटी बहुत बहुत बधाई हो, आपको घर बेटी हुई है. ठीक है. हेलो नमस्ते जी. जी फोन कट गया था सॉरी. बहुआ बोल रहा हूँ. हाँ जी नमस्ते जी. वो बधाई दे रहे थे ना बिटिया हुई है. हाँ जी तो अभी दी तो है बधाई. शुक्रिया. मेरे और एक भैया हैं अभिषेक जी हैं. भैया जी एक मिनट, वो भी बधाई दे रहे थे. बहन जी कॉन्ग्रेचुलेशन, बिटिया आई है घर पे. हाँ जी थैंक यू जी. परेशान क्यों लग रही है? आपने दे दी ना बधाई. ठीक है. हेलो फिर से फोन कट रहा है, शायद सिग्नल का कोई प्रॉब्लम है. हाँ जी तो थैंक यू बोल तो दिया. नहीं थैंक यू नहीं. एक और भैया हमारे साथ अब्बास जी हैं. अब्बास भाई बोल दीजिए. आंटी जी बहुत बहुत मुबारक. ठीक है जी थैंक यू. बहुत बहुत बधाई हो आपको, घर में लक्ष्मी हुई है. हाँ जी हाँ बहुत शुक्रिया. तो पार्टी वगैरह मेरे को दो यार मम्मी आप फोन. हेलो हेलो. हाँ जी कौन बोल रहा? हेलो नरेंद्र जी. हाँ बोल रहा हूँ. बताइए क्यों फोन कर रहे हैं बार बार आप? मैं बउआ बोल रहा था.
हाँ तो हो गई एक बार बात ना आपकी, कितनी बार आपको फोन करना? नहीं बार बार फोन कट ही जा रहा था ना, इसलिए हम लोग मिला रहे थे, सोचा कि मिला के एक बार बात कर लें। एक नहीं, कट नहीं रहा था, वो काट दे रहे थे, हो गया ना। क्यों काट दे रहे? आपने दे दी बधाई, हमने ले लिया, बार बार। नहीं तो ये एक मिनट, आपकी दो बिटिया थी जी, ये तीसरी बिटिया आई है? हाँ बिल्कुल हुई है। तो क्या कोई टेंशन की बात है क्या? टेंशन आपको क्या पता, परेशानी क्या है क्या नहीं है, आप नहीं, नहीं तो क्या हुआ? आप मेरे बात से परेशान है, मेरी कॉल से परेशान है, या घर में बिटिया आई है फिर से इसलिए परेशान है? हाँ हूँ, उस बात से परेशान हूँ। तो फिर क्या क्या क्या, क्या, क्या कर लोगे आप बताओ? हाँ एक सेकंड, आप आड में रहते हैं ना? हाँ रहते हैं। कल अष्टमी का पूजा कर रहे थे? हाँ कर रहे थे। कल ही आपने अपनी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला था कि कन्या चाहिए कंजकें खिलाने के लिए? हाँ चाहिए थी, अब हो गई कंजक पूरी। अब पूरी हो गई ना, तो कंजकों के लिए मैसेज तो कर रहे हो, लेकिन घर में बिटिया आ रही है तो फिर उसके लिए परेशान हो रहे हो। हेलो, खुद के घर में बिटिया आई है उससे परेशान हो रहे हो, और कंजकों के लिए व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके मांग रहे हो? बेटी नहीं बचाओगे तो कंजकें कहाँ से लाओगे? हेलो आटिका। हेलो बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते अंकल। किससे बात करनी है, कौन बउआ? आपसे दो मिनट चाहिए थे। हाँ बोल। मुझे मेरे माँ बाप का सपना पूरा कर। अरे तुझे बात किससे करनी है? इतना पैसा कमाना चाहता हूँ कि उन्हें विदेश ले जा सकूँ। पैसा कैसे कमाएंगे पता है? मेहनत कर। मेहनत? आप मेहनत से कमाते हो? हाँ मैं मेहनत से कमाता हूँ। मेहनत तो गधा भी करता है। ओए, तो से बात कर, बदतमीज कहीं के। उठा के पटक दूंगा आगे, दम निकल जाएगा। सॉरी एक सेकंड, पैसे कमाने का स्मार्ट तरीका मैंने निकाला है, जिसके वजह से अभी अभी सड़क पे मैं था और मेरे बगल से एक गाड़ी गई, मैं उसके नीचे आने ही वाला था कि मैं बच गया। बच गया? हाँ, इसके लिए मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। अबे तो बच गया वही काफी है तेरे लिए। बचे 3 लाख रुपए चाहिए? फ्लाई ओवर के नीचे से जा रहा था, बच गई जान मेरी। कैसे पता है? कैसे? सारी गाड़ियाँ फ्लाईओवर के ऊपर से जा रही थी। हाँ। अगर फ्लाईओवर नहीं होता तो मेरे ऊपर से जाती। फ्लाईओवर नहीं होता तो गाड़ी वहाँ से जाती क्यों? हाँ ये भी सही है। अब देखो, इतने तरीके मैंने आपको बताया जिससे मेरी जान बच गई, ठीक है? और अगर इतनी जान बची है तो क्या होता है? जान बची तो लाखों पाए ना। हाँ। 3 बार जान बची है, कम से कम 10 लाख तो मिलने चाहिए। कॉमेडी, एक सेकेंड, आपने देखी पिक्चर देखी सलमान खान की? हाँ देखी है। ट्रेन वाला सीन देखा है, साइकिल से ट्रेन पार कर जाता है? हाँ देखा है। इस सीन में भी सलमान की जान बची और वो लाखों पाया, पता है? सलमान जी फोन करो। नहीं, मैं तेरे घर के बाहर जेसीबी मशीन ला रहा हूँ, तेरे पीछे दौड़ाऊंगा, तू दौड़ के बच जाना, तेरी भी जान बचेगी, तू भी लाखों पाएगा। तू मशीन लेके, मशीन लेके तू क्या करेगा? तेरी मशीन में डालूंगा। क्या उतनी पूरी बड़ी मशीन? पूरी तुमने तो तेरी, तू पानी पी ले फिर बोलना कुछ जो बोलना। भाई मेघा ने फोन करके आज बउआ का टॉपिक दिया, कह रही थी रौनक बचपन में अक्सर हमसे कहा जाता था कि अरे मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। अब इसी बात पे बउआ ने क्या मस्ती करी ये सुनिए। हेलो अंकिल, नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बता। हमारी ना एक प्रोडक्शन कंपनी, हम लोग टीवी सीरियल बनाते हैं। अच्छा फिर मैं क्या करूँ? आपसे 2 मिनट हेल्प चाहिए, जनता को हम ये सीरियल पहले सुनाना चाहते हैं। कौन सा चैनल है? और इस पे जो सीरियल आएगा, उस सीरियल का नाम पता है क्या है? नाम है खड़े अच्छे लगते हैं। खड़े मतलब? खड़े मेरा मतलब है कि ये किसान बेटे और उसकी माँ की कहानी है, और हर किसान के लिए उसके खेत में जो फसल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गन्ने। हाँ, गन्ने हमेशा खड़े रहते हैं। हाँ तो वो खड़े अच्छे लगते हैं। करेक्ट, अब आप समझदार लग रहे हैं, वेरी गुड। जल्दी बोल, जल्दी अच्छे से। एक सेकंड, अब देखिए ये जो सीन है। हाँ। ये सीन हमने शूट कर लिया है, अब बस आपको सुन के बताने की कैसा शूट हुआ है। हाँ। तो सीन ऐसा है कि बेटा अपनी माँ के पास जाता है। अच्छा, गया। और बड़े ही दुख में अपनी माँ से कहता है कि जिस आदमी को उसकी माँ अपना बाप कहती है, यानी उस लड़के का नाना, वो उसका असली बाप नहीं है। लड़का भागते भागते अपनी माँ के पास पहुंचता है, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक चालू। ए माँ, ए माँ, कब बोलेगी? माँ नहीं बोलेगी, पूरा सुन ले, डिस्टर्ब मत कर। ए माँ,
जिस आदमी को तू आज तक अपना बाप कहती रही, सुन रहा है ना? हाँ, जल्दी कर। सॉरी, वो तेरा असली बाप नहीं है माँ। ये माँ सुन के मर तो नहीं गई? नहीं, एक मिनट, ये कैसे पता चला? मुझे पता है। नहीं, वही बता रहा हूँ। मैं आज मार्केट गया था, वहाँ पे एक मूंगफली वाला था। उस मूंगफली को छील के देखा तो उसमें दाना नहीं था। अच्छा, इसका मतलब है कि मूंगफली में दाना नहीं। हम दोबारे दाना नहीं। तू कौन है? कहाँ है तू? मैं वो एक सेकंड, यानी मूंगफली में दाना नहीं, वो हमारे नाना नहीं, जंबेड़ा नाना नहीं है तो इनका बाप भी तो नहीं होगा। ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक दे, उससे बात करी ना। कुंकू, कुंकू डायरेक्टर, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। ओ भाई, तुम्हारे नाना नहीं। हेलो। हेलो जी अंकिल, नमस्ते। कौन? मैं। कौन मैं? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? अरे तू कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। हेलो भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, देखो ऐसा है, मार्केट में ब्लू व्हेल गेम बड़ा खतरनाक हुआ है। अच्छा, घंटा अच्छा है? अच्छा होता तो बैन नहीं। आवाज से लग नहीं रहा कि मेरी गेम के बारे में। मैं गांव कर, मैं बता रहा हूँ आपको, ब्लू व्हेल जानलेवा गेम है, बच्चों को। मेरे आग नहीं लग रही है, मैं चाह रहा था इस गेम को हम लोग हमेशा हमेशा के लिए नेस्त ताबूत कर दें। अरे नेस्तनाबूत। हाँ तो वही है, वही करेंगे जो तू बोल रहा है, लेकिन उसके लिए बात ये भी है ना प्रॉब्लम कि मोबाइल में सबके गेम है, बच्चे को पकड़ा देते हैं, बच्चा उसमें गेम डाउनलोड करता है, बाद में जान के लिए हानिकारक हो जाता है वो। अब लोगों से अगर बोलो कि आप डिलीट करो तो करते नहीं, और लोगों से कहो अपना मोबाइल दे दो मैं डिलीट करूं तो कहते हैं राइट टू प्राइवेसी आ गया है। दे आर टॉकिंग अबाउट द फुल फ्लेज्ड टर्म्स ऑफ राइट टू प्राइवेसी व्हिच डू नॉट अंडरस्टैंड बाय दैट यू और मी। अब बस मुझे इतना बता, मुझे क्या करना है? मैं ये कह रहा हूं, आप सपोज अगर आपको किसी का मोबाइल चाहिए तो वो तो देगा नहीं आपको डिलीट करने के लिए ब्लू व्हेल गेम, राइट? तो आपको उसका मोबाइल चुराना पड़ेगा, और चुरा के उसको। हाँ, कल के मैं मोबाइल चुराऊं? गलत बोल रहे हैं आप। हमें इस गेम को नेस्ते ताबूत करना है। नेस्ते ताबूत नहीं, नेस्ते नाबूत वही करेंगे जो तू कह रहा है। पर के गलत आदमी, गलत आदमी, गंदा बोल के फोन कट गया। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहे हो, बजाते रहो। ब्लू व्हेल गेम को नेस्ते ताबूत करना है। ओके बाय। हेलो हेलो हेलो, अरे कोई बोलेगा? हेलो अरे कोई बोले? हेलो अरे क्या ड्रामा है? हेलो अरे कुछ बोलेगा भाई? हेलो अरे ये बोलेगा कुछ नहीं बोलेगा? चल दबाना। हेलो अरे कौन है? ये बोलेगा तो कुछ नहीं बोलेगा यार? हेलो अरे कुछ बोलेगा? हूँ वहाँ के आगे भी बोलेगा काका। हेलो तेरा नंबर पुलिस मिलता, तूने दिमाग खराब कर रखा, बोल लिया मार रहा है। और पुलिस उल्टा है, नंबर पुलिस में देगा ना, पुलिस उल्टा तेरे को पकड़ेगी। बोल के एक घंटे गाली तू दे रहा है। मैंने कुछ बोला? मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, मैंने तो शांति बनाई रखी है, तू ही बोल रहा है। शांति बनाए हूँ क्या कर रहा है तू? क्यों बोलूँ मैं कुछ? क्यों बोलूँ मैं कुछ? जैसा माहौल है मैं क्यों बोलूँ कुछ? और तू उल्टा पुलिस को तेरी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं बोलूंगा ये गाली दे रहा है, मैं तो शांत था। तो हूँ क्या कर रहा है? फ्री हूँ, यही था। पेशेंट्स का टेस्ट है ये, ऐसे ही आदमी आपको भड़काएंगे फोन से, मैसेज से, हूँ करेंगे, कुछ हो सकता है कुछ बोले, हो सकता है कुछ ना बोले। तू भड़केगा, अपना आपा खो देगा, गुस्सा करेगा। थूका ना तो मुंह पर मल दूंगा थूक सारा। यही मैं कह रहा हूँ आपको, भड़कना नहीं, शांत रहना है, गुस्सा नहीं करना है। आपा खोगे, टेंशन लोगे, आदमी को चिढ़ोगे, उसको गाली दोगे, सामने आएगा फोड़ दोगे, फिर पुलिस तुमको तोड़ देगी, और उल्टा मेरे को बोले मेरा नंबर पुलिस को देगा। सावधान रहे भाई, शांत रहे, समझा? कहाँ कहाँ चला गया? हेलो
तूने तो बोला शांत रहे वो जैसा सिखाया था वैसे सॉरी गलत बात 93.5 रेड एफएम बजाते रहे बहुआ बोल रहे हो हेलो हेलो हाँ जी अंकिल नमस्ते हाँ बोल भाई पीछे सब आवाज शोर मच रहा है थोड़ा साइड हो जा हाँ बंद हो गया मैं कह रहा था हाँ कहो कभी ऐसा हुआ आपके साथ कैसा कि तू गाड़ी से जा रहा है हाँ और घर से गाड़ी लेके जैसे तू निकला अच्छा तेरे पीछे एक और गाड़ी लग जाए क्या कह रहा है हाँ क्या कहना चाहता है कहना चाह रहा हूँ तेरे पीछे और एक गाड़ी लग जाए जिसपे पूरे काले शीशे लगे हों हाँ तू अपनी गाड़ी तेज भगाए वो गाड़ी और तेज तेरे पीछे आए क्या बोलना क्या चाह रहा है तू वो गाड़ी अचानक हाँ? तेरी गाड़ी के सामने आके ब्रेक मार के रुक जाए अच्छा कभी ऐसा हुआ है अरे क्या मसला क्या है पूरा ये बता मसला ये है कि उस गाड़ी में से 6 मोटे तगड़े लड़के निकले हॉकी स्टिक लेके और तेरी अच्छा। गाड़ी की तरफ दौड़े कभी ऐसा हुआ है भाई क्यों मत खराब कर रहा सुबह सुबह उनमें से दो लड़के इतने गुस्से में हॉकी तेज से हॉकी स्टिक उठाए और तेरी गाड़ी के कान यानी जो साइड के शीशे होते धड़ाक से तोड़ दें कभी ऐसा हुआ है दिमाग खराब है क्या किसको फोन मिलाया है और तेरे को घसीट के गाड़ी के अंदर से बाहर निकाल के बाहर पटक दें कभी ऐसा हुआ है काट दिया हेलो तूने किसी का फोन काटा हो और तेरे घर पे चार लड़के तेरे को आके उठा ले जाएं कभी ऐसा हुआ है मैं तेरे को अलर्ट कर रहा हूँ तो मेरा फोन काट रहा है सपोज चार लड़के मेरे को क्या अलर्ट कर रहा है किस लिए कल चार लड़के घर पे आके कभी उठा ले जाएं तेरे को कभी ऐसा हुआ है धमकी दे रहा है क्या सुबह सुबह तुम्हें अभी 100 नंबर पे फोन करूंगा तेरी उठवाऊंगा वहीं पे कभी ऐसा हुआ है जब तू 100 नंबर पे फोन करे और उससे पहले एम्बुलेंस घर पे आ जाए तेरे कभी ऐसा हुआ है अबे तेरी क्या कहना चाहता है तू सुबह सुबह फाड़ रहा है मेरी हैं मैं ये कभी हुआ है क्या ऐसा मैं पूछ रहा हूँ आपसे अबे नहीं हुआ हैं नहीं हुआ हाँ तो यही पूछ रहा हूँ अगर नहीं हुआ है अभी तक हाँ तो तू बहुत नसीब वाला है भाई गुड लक कभी होना भी नहीं चाहिए भगवान से प्रार्थना है मेरी कौन तू ये तो बता अभी 100 नंबर पे फोन करता हूँ सुबह सुबह काट रहा है सर हेलो इतनी बेइज्जती तूने किसी की हो और वो पलट के फिर से तेरे को फोन करे कभी ऐसा हुआ है अबे तेरी के फोन तक तू तेरी ऐसा गाली देगा तेरा लक खराब होगा समझा फिर जो मैं तेरी तोड़ दूंगा दोबारा फोन कर दिया तो 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने बजाते रहो आपके साथ कभी ऐसा हुआ अंकिल नमस्ते हेलो अरे रजत बात कर रहे भैया जी हाँ जी रजत बोल रहा हूँ बताइए क्या हाल चाल है बढ़िया आप कौन वो संध्या दोस्त है ना आपकी संध्या कौन वहाँ पे ब्लॉक में रहती है तो क्या हो गया नहीं क्या हो गया की बात नहीं है मैं वही कंफर्म कर रहा था अच्छा आप बोल रहे हो मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी अंकिल नमस्ते मेरे को कैसे जानता है ये सब बता दूंगा लेकिन कल ना संध्या ने एक डब स्मैच डाला था एक अच्छा। चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू अच्छा और तूने उसको लाइक किया था तुम लोग का नीचे चैट चल रहा था कमेंट पे कमेंट कर रहा था तू कर रहा था नहीं कर अच्छा। रहा था हाँ बढ़िया था वो बताओ क्या बढ़िया था ठीक है अच्छा उसने डब स्मैच डाला था तो तूने कमेंट किया वो बढ़िया था बोल रहे लेकिन मुद्दा भूल गया तू कैसे एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू यही था ना तुझे पता है एक चुटकी सिंदूर की कीमत हेलो अरे मेरे को क्या लेना देना उससे यार मेरी बात तो सुनना तू उसके डब स्मैच पे लाइक कर रहा है कमेंट कर रहा है चैट कर रहा है लेकिन सिंदूर की कीमत तेरे को पता है हाँ 5 रुपए कर दी ना औकात की बात 5 रुपए एक गलत मैं बता रहा हूँ सिंदूर की कीमत 72,000 रुपए होती है पूछ कैसे गलत मत बोल सुन लेना पहले सिंदूर 72,000 बताऊँ सिंदूर लगाने के बाद एक आदमी एक औरत से शादी कर लेता है अच्छा फिर उसके बाद हेलो हाँ जी जोड़ना चालू कर दे राशन का 12,000 बिजली का 3,000 पानी का 1,500 बच्चों के स्कूल फीस 12,000 बच्चों का ट्यूशन फीस 25,000 मकान का किराया 10,000 मोबाइल बिल 800 मेडिसिन 2,000 पेट्रोल 3,000 बाकी का खर्चा 7,500 ये मिला के 72,000 सिंदूर की कीमत 72,000 5 रुपए औकात के हिसाब से बात करता है तू अरे जबान ने ले रहा 5 रुपए चट
मेरे को आएगा यहाँ पे फोन में कट करने का बटन नहीं है, तू कट कर देना मेरे को बोल रहा है कट दिया अब 5 रुपया बोल रहा है 93.5 रेड एफएम में बहुआ बोल रहा हूँ बजाते रहो अंकिल हेलो 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 कौन कौन अंकिल जी नमस्ते मैं बहुआ बोल रहा हूँ मैं तो से बात कर रहा था अच्छा आप चंद्र जी बात कर रहे हैं ना हाँ हरिचंद जी बोल रहा हूँ बताइए आपका बैंक में अकाउंट है ना हाँ हाँ है वो अकाउंट का नंबर 9373 है हाँ 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 है अरे वो साइबर अटैक हो गया है ना मैसेज आया होगा आपको भैया बोल कहाँ से रहा है साइबर अटैक बताओ आप मैं से बोल रहा हूँ ना मैसेज आया था ना साइबर अटैक का हाँ कौन से ब्रांच से बोल रहे हो तुम तो मैं इस ब्रांच से बोल रहा हूँ हाँ बताओ क्या हुआ तो साइबर अटैक हुआ है लोगों से कहा जा रहा है कि अपना अकाउंट नंबर सुरक्षित रखें सुरक्षित तो रखा हुआ नहीं तो आप इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपका जो अकाउंट नंबर है ना हाँ हाँ कार्ड है ना डेबिट कार्ड हाँ हाँ आपका कार्ड डाल के केक से एटीएम विड्रॉ ये 30,000 तमीज मैं बउआ बोल रहा हूँ आपसे बताया था ना मैंने हरिचंदर जी बोल रहे हैं ना साइबर अटैक हुआ है साइबर अटैक नहीं एक सेकेंड आपका अकाउंट मैंने पूरा तो सुन लीजिए पूरा कैसे आपका नहीं मैं आपका अकाउंट नंबर है ठीक है उसमें एटीएम कार्ड से एटीएम एक विड्रॉ 30,000 अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं मेरी बात तो सुनी साइबर अटैक हुआ भाई साहब साइबर अटैक मेरे 30,000 रुपए एक सेकंड मेरी बात सुनिए आपका अकाउंट क्या सुनू तेरी मेरी बात आपका कार्ड है ना हाँ कार्ड है बता उसको एटीएम में के विड्रॉ 30,000 सर ये गलत मत बोलिए नेटवर्क नहीं आ रहा है नहीं नहीं गलत सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ मैं बाहर आ जाता हूँ इधर नेटवर्क नहीं आ रहा है आप सुनिए सुनिए आपका जो अकाउंट है ना उसको आप संभाल मैं यही कह रहा हूँ उसको संभाल के रखिए हेलो सुनो 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 वरना आपका कार्ड लेकर कोई एटीएम से जाके 30,000 रुपए विड्रॉ कर सकता है इसीलिए सावधान रहिए अरे सावधान रहे तुम बोल रहे हैं कट जाएंगे कट जाएंगे कि कट गए ये बता नहीं मैं तो कह रहा हूँ कट जा सकते हैं आप सावधान ये तो मुझे भी पता तू मुझे बता रहा तू तो यही तो बता रहा हूँ आप गाली दे रहे हैं गंदा बोल गंदे को कैसे बोले तूने तो हालत खराब कर दी अरे बैग चिल्लाते नहीं है हेलो नमस्कार भाई साहब नमस्कार कौन मैं बउआ बोल रहा हूँ और मैं नंद किशोर बैरागी अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए नवयुवक कहाँ जुड़ा रहे सर जुड़ा मैं कह रहा हूँ आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं क्या शुरू मैं एक चर्चा होती है जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट जी अपनी राय रखता है और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि इनसे सवाल पूछता है अच्छा भाई मुझे तो बनाने को हिस्सा विस्सा किसी का भी भाई समाज को बैरागी जी आईना दिखाइए आपका काम है ना युवक को आप नहीं दिखाओगे कौन दिखा 2 मिनट लगेगा मैं क्यों आईना मैं शीशे वाला हूँ आईना दिखा 2 मिनट लगेगा 2 मिनट लगेगा ज्यादा नहीं बताइए दिल्ली में हर बार जब बरसात होती है तो पानी क्यों भर जाता है बैरागी जी यही मुद्दा है इस बार भी पानी भरा कि नहीं भाई साहब हाँ भरा पानी बहुत भरा यार कारण बताएंगे बैरागी जी प्लीज देखिए पानी जो है 1970 से जगह ढूंढ रहा है जहाँ जगह मिलती चला जाता है अच्छा दिल्ली में एमसीडी से हो गया भाई नहीं 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 एमसीडी से नहीं है नहीं ये एमसीबीसीडी से है जल्दी बोले हाँ तो दिल्ली में पानी भरने की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यही है कि उसके जिम्मेवार दिल्ली वाले खुद हैं कैसे भाई साहब ये बताइए देखिए सुन रहे ना अब सब सुन रहा हूँ तो जैसे पानी और बिजली का बिल सस्ता आता है भाई साहब सस्ता आता है हाँ बिल्कुल आता है सस्ता फिलहाल तो आ रहा है तो बिल जो है जब बिल सस्ता आता है उस हाँ। बिल को आदमी तुरंत जाके भर देता है बिल भर देते हैं आप बिल्कुल भर दिया हाँ बिल भर दिया जब आपने बिल भर दिया तो बिल हाँ। के अंदर क्या जाए अब
जाएगा मतलब सारा बिल भर दिया जाएगा तो बिल में से पानी पास होगा ही नहीं, और अगर पानी पास नहीं होगा तो पानी सड़कों पे जमा हो जाएगा जैसे शहर में हो गया कुछ। ए, समझ गया बहुत जल्दी गलत मत बोलिए आप। पूरी दिल्ली से कहना चाहता हूँ कि पानी जो है हाँ इनको बिलों में जाने दे, बिल मत भर, बिल मत भर। ए गलत कौन है तुमने? ए गलत ओए बैरागी जी हैं ये, कुछ कहना है आपको बैरागी जी से? मेरे को कहना है वहाँ दुनिया के और इनका नाम क्या बैरागी जी? चोमू बवंडर ये जो है। आप चोमू बवंडर हैं? तू बवंडर बस इस चर्चा को ही खत्म करेंगे। कैमरामैन प्रकाश लोसन के साथ मैं नंद किशोर बैरागी, मैं बउआ, और इनका नाम चोमू बवंडर। चोमू बवंडर ए चोमू हंस दिया अंत में बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी भी जुड़ी हुई है बरसात से ही। अच्छा, युगांडा के रमेश नगर से। वाह, इन्वर्टर की बैटरी के लिए हाँ। बारिश का पानी जुटाती स्पाइसी फंटो कहती है यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। स्पाइसी जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। हेलो हेलो कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते कौन जी? मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ? हाँ तो बोल, क्या हुआ? नहीं क्या हुआ नहीं बउआ। अरे हाँ हाँ हुआ भाई, मेरे को जल्दी बता, मैं कर रहा हूँ। सॉरी। हेलो, मैं कह रहा था हाँ जीएसटी आ गया ना? हाँ तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है ये क्या है। हमें पता है, हमें मत बता, हमें पता है। हेलो एक सेकंड, मैं कह रहा था, नहीं ठीक, फिर भी मैं कोशिश कर रहा था, मेरे पास समय था तो मैंने सोचा मैं लोगों को फोन कर करके जैसा जैसे को जागरूकता सबको मिल के फैलाए, देश सबसे चलेगा। आपको अगर पता है आप दो लोगों को बता दो। भाई मेरा सुन, मेरा वैसे ही दिमाग मत खा मेरा, जिसको बताना है उसको बता दे। नहीं मेरा सुन लो, दो मिनट लगे है ना? बता दे भाई, बता। आप गलत बोलोगे तो थोड़ी कोई बात कर पाएगा आपसे? कर पाएगा? बता देना यार, तेरे को बोल रहा हूँ, बता जल्दी बता, दिमाग दुखा रहा है। सर ओके सर, जीएसटी क्या है? जीएसटी एक टैक्स है। हाँ तो टैक्स तो है ही, टैक्स तो एक समय टैक्स तो टोल टैक्स भी होता है। टोल टैक्स गाड़ी पे लगता है, गाड़ी चार पहिए या दो पहिए की होती है, लेकिन जिंदगी की भी गाड़ी होती है जो दो दो पहिए पे चलती है, दो पहिए में से एक पहिया पति एक पहिया पत्नी। सुनिए मेरी बात, एक सुना रहा है मेरे को तू? एक पहिया पति एक पहिया, अच्छी तो जिंदगी होनी चाहिए। सुनिए मेरी बात, जिंदगी तो जंग है, और जंग तो साले, और उसी जंग में तेरे को काट दूंगा मैं, फोन काट दे। एक सेकेंड, जिंदगी जंग है, जंग तो लोहे में लगता है, लोहा तो क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से लिया था, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, अंग्रेजी से आता है, अंग्रेजी तो शराब भी होती है, पर शराब सेहत के लिए हानिकारक है, पर हानिकारक तो बापू है, बापू से एक मिनट, लेकिन बापू तो महात्मा गांधी जी भी थे, और गांधी जी चाहते थे कि देश एक रहे, और अगर देश एक है तो टैक्स एक क्यों नहीं हो सकता? वही देश एक टैक्स एक, वही जीएसटी है भाई, सब बजाओ ताली। तेरी दिमाग खराब करने के लिए फोन करा, तेरी ऐसी तैसी बस करो बस करो सारे, दिमाग खराब कर दिया, कुछ अच्छी खबर देगा, दिमाग खराब कर दिया तूने, गंदा मत बोलो। जीएसटी का यार याद रखना, तेरे को जीएसटी, तेरे को फोन गलत बोल रहे भाई साहब, चीची बोल रहे हैं, मैं बउआ बोल। हेलो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, अगर आपको जीएसटी समझ में आ गया है तो दूसरे को समझाते रहो। ओके भाई अंकिल। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? फाइनेंस सॉल्यूशन से बउआ बोल रहा हूँ। पहचाना नहीं? नहीं नहीं, हम लोगों को कॉल करके जीएसटी के बारे में समझा रहे हैं कि उसके क्या बेनिफिट हैं, जो नया जीएसटी आया है, टैक्स आया है, आपको इसके बारे में पता है? थोड़ा बहुत, ज्यादा कुछ नहीं मतलब। तो थोड़ा जो इसका एक एक्सटेंसिव रिसर्च हमने किया है, जिससे लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा भारत की अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था इज टू हिंदी, आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स। यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी? आई मे स्पीक अबाउट हिंदी बोल ले भाई। हिंदी बोल लूं? जल्दी समझ में आ जाएगा ना आपको? हिंदी बोल ले। आई थिंक यू आर कम्फर्टेबल विद बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, बट मैं थोड़े थोड़े इंग्लिश में ही कर दूंगा। हिंग्लिश। अरे जल्दी बोल। सॉरी। पर कैपिटा इनकम पे इसका सीधा असर पड़ेगा भाई साहब, और जो परचेसिंग पावर पैरिटी है उसका जीडीपी के 1/3 हिस्सा अगर रेपो रेट के साथ हम जोड़ दें तो जो रिवर्स रेशियो बनेगा वो होलसेल प्राइस इंडेक्स को तिगुना कर सकता है भारत में। अरे भाई क्या बोल रहा है, क्या मतलब? हेलो काट दिया। My God. एक बार और लगा दो, मैं ट्राई करता हूँ। हेलो सर, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना भाई साहब? फोन कट रहा है। अरे कटा नहीं, मैं काटा है।
सॉरी। तो मैं कह रहा था जो लिक्विड एसेट है और जो लॉ ऑफ डिमांड है, उन दोनों का जो इनडिफरेंस कर्व बनेगा ना, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए विंडफॉल गेन्स। जीएसटी समझा रहा हूँ, मुझे मत समझा, मेरे को नहीं समझ रहा। जो विंडफॉल गेन जो है की फोन करिए एक बार, एक लास्ट ट्राई करते। हेलो, फिर से नेटवर्क में शायद कोई इशू है ना बारिश के कारण। आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मैं फेयर ट्रेड इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बता रहे थे, जिसका जीएसटी पर सीधा असर पड़ता है। अगर आप मार्केट इकोनॉमी को ध्यान से देखें तो स्पेकुलेटिव मोटिव और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन सीधा सीधा 3% तक के बढ़ सकते हैं अगर आदमी जी। हेलो हेलो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जीएसटी। हेलो, कॉस्ट बेनिफिट है ना जो, हाँ तो डाल जीएसटी बता रहा हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है पता है? इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी बंजालिया के बेढंगपुर के एक इलाके में निचड़ो हुए नींबू चेहरे पे मलकर निखार लाने वाली बेगम अजवाइन अलवी कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। अजवाइन अलवी पर एफसी रॉकिंग नहीं होता भाई। आज प्रिया ने फोन करके बहुआ का टॉपिक दिया, कह रही थी रौनक टेलीकॉलर्स जो होते हैं वो अक्सर ऐसे अजीबो गरीब कॉन्टेस्ट लेकर आते हैं और कभी कभी तो बैलेंस भी काट लेते हैं मोबाइल का। इसी पे बहुआ ने क्या किया ये सुनते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी कौन? नमस्कार अंकिल, फोन से बहुआ बोल रहा हूँ, क्या नंबर है आपका? 9 X। हेलो, मेरे पास है ना, तभी डायल किया है ना मैंने। तो साले पूछ क्यों रहा है? पूछ और बता भी रहे हैं आप। हेलो, पूछा तो बताओ ना। सुनिए, हाँ जी, हम लोग एक कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं जिसमें आपको एक बजट राउंड खेलने का मौका मिलेगा। अच्छा, फटाफट सवाल पूछा जाएगा, अगर आपको जवाब नहीं आता तो बजट दब जाएगा। पैसे पूछे तो नहीं लोगे? पैसे पूछे कुछ नहीं लेंगे लूंगे। तो अगर आप इच्छुक हैं तो एक दबाएं। ना हो तो फिर मैं एक दबा दूंगा, मेरे पास भी एक है ना, ये लो। अबे ओ पागल। सॉरी, कॉन्टेस्ट खेलने बजट राउंड, ठीक है। पहला सवाल, अगर हम बंदर से इंसान बने हैं, हाँ बने हैं, तो जो बाकी बंदर बचे हैं वो क्या हैं? यार कोई नहीं। अगला सवाल, अगर आप जब छींकते हैं अच्छे तो आप गॉड ब्लेस यू बोलते हैं? हाँ बोलते हैं। अगर भगवान को छींका है तो वो क्या बोलेंगे? यार ये भी ये नहीं पता। ओके बजट, अगर भूत, अच्छा बसे भूत, बसे भूत, हाँ भूत अगर शीशे में, अच्छा दिखाई नहीं देते, नहीं देते, नहीं देते ना, ना तो वो तैयार कैसे होते हैं? यार ये भी नहीं पता। तेरी को पता क्या? ये बता दे, तेरी को तेरा आधार कार्ड का नंबर पता है? वो ही बता दे। तेरे को पता है तेरा? फोन गंदा मत बोलिए आप, मैं फोन काट भी सकता हूँ। काटू मैं। अगला सवाल, हेलो, अगर मेरा भाई 11:59 से 12:01 तक पैदा हुआ है, अच्छा तो पंडित जी पूछ रहे हो संडे में हुआ या मंडे में, उनका कुंडली बनाना है। तेरी आपके फोन में लाल बटन है? नहीं है। तो लगवाना है, इसलिए तू काट नहीं रहा फोन, लगवा इसको। बस बजट फेंक के मारूंगा सर पे, ये ले और एक ले। मारूंगा तेरा बजट गंदा नहीं, तू मार ही नहीं सकता। नहीं जिसके में लाल बटन नहीं है उसके पे बजट क्या होगा? ये बटन में टच है, टच वाला है। सो कीप इन टच। ओके 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 बाय। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी बंजालिया के बेढंगपुर के एक इलाके में निचड़ो हुए नींबू चेहरे पे मलकर निखार लाने वाली बेगम अजवाइन अलवी कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। अजवाइन अलवी पर एफसी रॉकिंग नहीं होता भाई। आज प्रिया ने फोन करके बहुआ का टॉपिक दिया, कह रही थी रौनक टेलीकॉलर्स जो होते हैं वो अक्सर ऐसे अजीबो गरीब कॉन्टेस्ट लेकर आते हैं और कभी कभी तो बैलेंस भी काट लेते हैं मोबाइल का। इसी पे बहुआ ने क्या किया ये सुनते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी कौन? नमस्कार अंकिल, फोन से बहुआ बोल रहा हूँ, क्या नंबर है आपका? 9 X। हेलो, मेरे पास है ना, तभी डायल किया है ना मैंने। तो साले पूछ क्यों रहा है? पूछ और बता भी रहे हैं आप। हेलो, पूछा तो बताओ ना। सुनिए, हाँ जी, हम लोग एक कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं जिसमें आपको एक बजट राउंड खेलने का मौका मिलेगा। अच्छा, फटाफट सवाल पूछा जाएगा, अगर आपको जवाब नहीं आता तो बजट दब जाएगा। पैसे पूछे तो नहीं लोगे? पैसे पूछे कुछ नहीं लेंगे लूंगे। तो अगर आप इच्छुक हैं तो एक दबाएं। ना हो तो फिर मैं एक दबा दूंगा, मेरे पास भी एक है ना, ये लो। अबे ओ पागल।
चौधरी कॉन्टेस्ट खेल लें बजट राउंड। ठीक है, पहला सवाल, अगर हम बंदर से इंसान बने हैं, हाँ बने हैं, तो जो बाकी बंदर बचे हैं वो क्या हैं? कोई नहीं, अगला सवाल, अगर आप जब छींकते हैं अच्छे तो आप गॉड ब्लेस यू बोलते हैं? हाँ बोलते हैं। अगर भगवान को छींका है तो वो क्या बोलेंगे? यार ये भी ये नहीं पता। ओके बजट, अगर भूत बसे भूत बसे भूत हाँ भूत अगर शीशे में अच्छा दिखाई नहीं देते नहीं देते नहीं देते ना, ना। तो वो तैयार कैसे होते हैं? यार ये भी नहीं पता। ये भी नहीं तेरी को पता क्या? ये बता दे, तेरी को तेरा आधार कार्ड का नंबर पता है? वो ही बता दे। तेरे को पता है तेरा फोन? गंदा मत बोलिए आप, मैं फोन काट भी सकता हूँ। काट दे, काटूं मैं। अगला सवाल, हेलो, अगर मेरा भाई 11:59 से 12:01 तक पैदा हुआ है, अच्छा, तो पंडित जी पूछ रहे हो संडे में हुआ या मंडे में, उनका कुंडली बनाना है। तेरी आपके फोन में लाल बटन है? नहीं है। तो लगवाना है, इसलिए तू काट नहीं रहा फोन, लगवा इसको। बस बजट फेंक के मारूंगा सर पे, ये ले और देख ले, मारूंगा तेरा बजट। गंदा नहीं, तू मार ही नहीं सकता। जिसके में लाल बटन नहीं है उसके पे बजट क्या होगा? ये में टच है, टच वाला है। सो कीप इन टच। ओके 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 बाय। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी बंजालिया के बेढंगपुर के एक इलाके में निचड़ो हुए नींबू चेहरे पे मलकर निखार लाने वाली बेगम अजवाइन अलवी कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। अजवाइन अलवी पर एफसी रॉकिंग नहीं होता भाई। आज प्रिया ने फोन करके बहुआ का टॉपिक दिया, कह रही थी रौनक टेलीकॉलर्स जो होते हैं वो अक्सर ऐसे अजीबो गरीब कॉन्टेस्ट लेकर आते हैं और कभी कभी तो बैलेंस भी काट लेते हैं मोबाइल का। इसी पे बहुआ ने क्या किया ये सुनते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी कौन? नमस्कार अंकिल, फोन से बहुआ बोल रहा हूँ, क्या नंबर है आपका? 9 1 हेलो, मेरे पास है ना, तभी डायल किया है ना मैंने। तो साले पूछ क्यों रहा है? पूछ और बता भी रहे हैं आप। हेलो, पूछा तो बताओ ना। सुनिए, हाँ जी, हम लोग एक कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं जिसमें आपको एक बजट राउंड खेलने का मौका मिलेगा। अच्छा, फटाफट सवाल पूछा जाएगा, अगर आपको जवाब नहीं आता तो बजट अच्छा। दब जाएगा। पैसे पूछे तो नहीं लोगे? पैसे पूछे कुछ नहीं लेंगे लूंगे। तो अगर आप इच्छुक हैं तो एक दबाएं, ना हो तो फिर मैं एक दबा दूंगा, मेरे पास भी एक है ना, ये लो। अबे ओ पागल। सॉरी, कॉन्टेस्ट खेल लें बजट राउंड। ठीक है, पहला सवाल, अगर हम बंदर से इंसान बने हैं, हाँ बने हैं, तो जो बाकी बंदर बचे हैं वो क्या हैं? यार कोई नहीं, अगला सवाल, अगर आप जब छींकते हैं अच्छे तो आप गॉड ब्लेस यू बोलते हैं? हाँ बोलते हैं। अगर भगवान को छींका है तो वो क्या बोलेंगे? यार ये भी ये नहीं पता। ओके बजट, अगर भूत बसे भूत बसे भूत हाँ भूत अगर शीशे में अच्छा दिखाई नहीं देते नहीं देते नहीं देते ना, ना। तो वो तैयार कैसे होते हैं? यार ये भी नहीं पता। ये भी नहीं तेरी को पता क्या? ये बता दे, तेरी को तेरा आधार कार्ड का नंबर पता है? वो ही बता दे। तेरे को पता है तेरा फोन? गंदा मत बोलिए आप, मैं फोन काट भी सकता हूँ। काट दे, काटूं मैं। अगला सवाल, हेलो, अगर मेरा भाई 11:59 से 12:01 तक पैदा हुआ है, अच्छा, तो पंडित जी पूछ रहे हो संडे में हुआ या मंडे में, उनका कुंडली बनाना है। तेरी